हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ईद मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, जो कि टीनेज के लिए होने वाला है, बिगनर के लिए होने वाला है। तो ये वाला मेकअप लुक मैंने बहुत ही सॉफ्ट सटल सा न्यूड मेकअप रखा है, क्योंकि गर्मियाँ भयंकर वाली पड़ रही है, तो ऐसे में ज़्यादा मेकअप करने का मन नहीं करता है और हमें सुंदर भी दिखना होता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए रोज़ वाटर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है एज अ टोनर। तो कोई सा भी आप टोनर जो भी आप लगाते हो वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मेकअप लुक मैंने टीनेज के लिए शेयर किया है, तो मैंने अफोर्डेबल प्रोडक्ट ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे निविया की मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कर ली है, क्योंकि फेस का मॉइस्चराइज होना भी बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अल्प गुडनेस का पपाया सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। चाहे ठंडी हो या फिर गर्मी, सनस्क्रीन बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। मेकअप के पहले आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई कर लेना है, और ये अफोर्डेबल में बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन मिल जाती है आपको। इसको मैंने purple.com से बाय किया था, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और कभी भी सनस्क्रीन को रगड़ के ना लगाएं, क्योंकि रगड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही हल्के हाथों से इसको स्प्रेड करके ब्लेंड करना चाहिए। अब अपने लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पर वैसलीन लगाया है, आप लिप बाम भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ली है, तो इसको मैं अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर दूंगी। ये भी आपको अंडर 100 मिल जाएगी। इसमें दो साइज़ आपको मिल जाएगा, एक 8 ग्राम का, एक 16 ग्राम का। तो आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपके बजट में है। इसके जगह आप फाउंडेशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ रही हैं ना, तो अगर आपका हैवी मेकअप करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप BB CC क्रीम से मेकअप कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे थोड़े से डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो इस तरह से मैं थोड़ी सी बीबी क्रीम लेके अपने अंडर आई पे एंड आई लिड पे अप्लाई कर लूँगी। और आप चाहें तो कंसीलर से भी, अगर आपको पिगमेंटेशन एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट वगैरह हैं, तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें मैंने कंसीलर नहीं यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लिया है, आप कोई सा भी लगा सकते हो। उसको मैंने अपने बेस को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे आईब्रो फिल करेंगे, तो आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये ब्राउन पेंसिल लिया है, आईब्रो पेंसिल, जो कि काफ़ी अच्छी है, बजट में है, आप ले सकते हो। मार्केट में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जो आपको सही लगे ले सकते हो। तो इसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे ऊपर बहुत अच्छे से जाता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसमें ब्लैक ग्रे शेड भी मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे मैं अपने थोड़ा सा चीक को पिंकिश सा लुक देने के लिए ये बेला बूस्टर का ये पिंक सेट का लिप क्रियॉन मैंने यहाँ पे एज अ ब्लश अप्लाई किया है, तो इसे बहुत ही नेचुरल लुक मिलता है। बहुत ही लाइट मेकअप होने वाला है, न्यूड मेकअप होने वाला है ये गाइस, जो कि टीन एज के लिए, बिगनर के लिए बेस्ट है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रियॉन्स लेके मैं अपने आई लिड पे अप्लाई करूँगी, ताकि थोड़ी सी जो आई है वो पॉपअप होके आए इस तरह से। आप तो अगर आई शेडो वगैरह लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा इससे ज़्यादा मेकअप करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो बस आई लिड पे इस तरह से लगा लेंगे, तो ताकि थोड़ी सी आई लुक अच्छी आए। और ये मेकअप लुक आपका फटाफट से 5 मिनट में हो जाने वाला है। और अब मैं अपने वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर लूँगी, वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन पे। तो इस तरह से काजल अप्लाई कर लूँगी मैं। आप चाहें तो लाइनर वगैरह भी लगा सकते हैं, बट इसमें मैंने लाइनर नहीं लगाया है, बहुत ही सॉफ्ट सा लुक रखा है मैंने। अब यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। मस्कारा मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का अप्लाई किया है। इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है गाइज, मैंने अंडर 100 ही किया है। बस ये मस्कारा थोड़ा सा आपको 130 या 140 तक मिल जाएगा ऑनलाइन। तो अच्छे से आईलैसेस को कर्ल कर लेना है, 2 से 3 कोट लगा लेना है। सो भी मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का ये न्यूड शेड लिपस्टिक। इसका जो शेड है 222 है, तो आप भी कोई सा भी न्यूड शेड पिक करके लगा सकते हो जो आपको पसंद है। तो ये रहा गाइज मेरा फाइनल लुक।
सो गाइज, इस लुक को मैंने स्पेशली टीनेज के लिए क्रिएट किया है इस ईद के लिए। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, अगर आपका कोई भी हैवी मेकअप नहीं करने का मन कर रहा है तो कुछ इस तरह से न्यूड लुक रखिए, तब भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं। मैं आपको बताऊँ तो ये मेरा सिग्नेचर लुक है, मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो मैं कुछ इस टाइप का ही लुक क्रिएट करती हूँ, और ऐसे न्यूड लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सो उम्मीद करती हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हैप्पी